की शुरुआत करते हैं उदयपुर के एमबी अस्पताल से। 12 दिन का बच्चा चोरी का मामला, करीब 4 घंटे का समय बीत गया है लेकिन अब तक बच्चे का सुराग हाथ नहीं लगा। जिम्मेदार अधिकारी खंगाल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। पीड़ित महिला पुलिस की शरण में पहुंची। हाथीपोल थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है लेकिन लगभग 4 घंटे से ज्यादा का समय इस घटना को बीत चुका है। इस छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को चोरी कर करके कुछ लोग वहां से ले गए। हालांकि अब भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ऐसे मामलों में सीसीटीवी फुटेज एक बड़ी कड़ी बन जाते हैं गुनहगारों तक पहुंचने की। और उस मासूम बच्चे की तस्वीरें भी सामने आ गई है। 12 दिन का मासूम बच्चा, ठीक से उसकी आंखें भी अब तक नहीं खुली और इतने छोटे बच्चे को अस्पताल से चुरा करके ले जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल अस्पताल के जिम्मेदारों पर भी, क्योंकि वहां पर कार्यशैली इससे पहले भी इस तरह की, जिस तरह से सुबह सहयोगी रवि से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि पहले भी इस अस्पताल में ऐसी कुछ घटनाएं सामने आ गई है। लेकिन 12 दिन का मासूम बच्चा, बहुत छोटा उम्र में आंखें भी ठीक से नहीं खुली और ना ही इस चीज को समझ पाने की शक्ति अभी उसकी माँ उसके परिजनों में है कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों। बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका बच्चा उन तक पहुंच जाए। बटे उभी भी फोन बर्बाद कर रही भी जो क्या था हमारा बच्चा मंगे रह गया फोटो कॉपी कराना बच्चा को इन्यू लेकर इधर से गई और कुछ नहीं बोला क्या मेरे मेरा कागज मांग लाटे बढ़िया कागज गई को निकाली एक रिपोर्ट ही गली में। चलिए उदयपुर से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक कुछ अपडेट लग पाई है इस बच्चे की चोरी के प्रकरण में लगभग, क्योंकि देखिए बच्चे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रवि, बहुत मार्मिक तस्वीरें हैं, बहुत छोटा बच्चा है 12 दिन का, महज 12 दिन की उम्र है इसकी। बिल्कुल देखिए जयती, काफी गंभीर मसला है बच्चा चोरी का और जाहिर सी बात है जिस तरीके का जो मासूम दिखाई दे रहा है अभी तक ठीक ढंग से आंखें भी नहीं खुली हैं, अपनी माँ को पहचानने के अलावा किसी और को वो इस दुनिया में पहचानता भी नहीं है और उसे उसकी माँ से अचानक से एक महिला जो है, अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक लेडी जो है वो उससे बातों में उलझा के इस बच्चे को ले गई। 11-12 दिन का ये मासूम है, आज ही इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था और इनके जो पिता है मासूम के वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान ये बच्चे चोरी की वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो संदिग्ध महिला है उसकी तलाश शुरू कर दी है, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरे शहर भर में नाकेबंदी कराई है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल परिसर है उसको भी एक तरीके से कहें तो चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया और जो मरीज जो अंदर है उन्हीं उन मरीजों के आसपास उनके परिवारजन है, तीमारदार जो है उनके आसपास भी बच्चे की तलाश की गई है, पूरा परिसर छाना गया और इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की धर्मशालाएं और जो दूसरी संभावित जगह है जहां पर सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगे हुए उनके फुटेज के आधार पर पुलिस जो है इस जो बच्चा चोर है इसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक करीब 9:15 बजे की ये पूरी घटना बताई गई है लेकिन अभी तक इस बच्चा चोर के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई है और यही आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से परिवारजन है रो रो कर बुरा हाल है परिवारजनों का तो आशा यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चा चोर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और जो मासूम है वो अपनी माँ की गोद में। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि इस मासूम को इस वक्त अपनी मां के आंचल की सबसे ज्यादा जरूरत है। रवि, लेकिन इससे पहले भी आपने बताया था कि कुछ ऐसी घटनाएं यहां से सामने आई थी, उन घटनाओं में जो समय था वो क्या रहा था, बच्चे जब मिल गए थे अपने परिजनों तक, लेकिन इस घटना में जो हाल ही में ताजा वाकया हुआ है इसमें सीसीटीवी तो देख लिए लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि महिला लेकर के चली गई, आसपास के रेलवे स्टेशन भी खंगाले गए होंगे वहां पर भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है जैसा पुलिस रवि आपको रोकना चाहेंगे, उदयपुर एसपी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, उदयपुर से 12 दिन के एक छोटे बच्चे, महज 12 दिन जिसकी उम्र है, उसको चोरी करने का मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा, कहां तक जांच पहुंची है, कितना समय और परिजनों से मिलवाने का उसको? जी एक वहां से कैंटीन से चोरी हुआ है और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हमारी टीम्स को विजिट किया स्पॉट को, जो भी हमें रेलेवेंट चीजें मिली है वो हमने वहाँ से इकट्ठी की है और हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। विकास जी, ऐसे मामलों में सीसीटीवी फुटेज बहुत बड़ी कड़ी और सुराग के रूप में होते हैं, सीसीटीवी में कोई ऐसा सबूत, कोई क्लू अब तक मिल पाया? एक लेडी के बारे में आई है सामने बात और उनसे उनके पहचान करने की कोशिश की जा रही है वो कौन है और जहाँ जो पर्टिकुलर समय सीसीटीवी से मिले हैं हम उनको एग्जामिन करने का काम कर रहे हैं। विकास जी, लेकिन देखिए इस अस्पताल से पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, आगे क्या रहेगा, किस तरह से ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, जो लोग पहुंच रहे हैं उनके बच्चे और वो सेफ फील करें, आप उसको लेकर के कुछ अभियान भी आने वाले दिनों में चलाएंगे? फिर
देखिए पहले तो लोग अवेयर रहे इस चीज के लिए, क्योंकि हर जगह प्रेजेंस पुलिस की हर फाइल नहीं हो सकती है, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस बारे में। बाकी हम अपनी तरफ से लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, और उनको आप लोगों की तरफ से भी ये बात चाहिए कि सब लोग इस चीज का ध्यान रखें कि अनअटेंडेड नहीं छोड़े बच्चों को। बिल्कुल विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से एक सेल्फ अवेयरनेस की भी जरूरत है, और साथ ही साथ एक ऐसा सुरक्षित माहौल भी उन लोगों को लगे जिन्हें ये पता हो कि हाँ, अगर हाँ इस अस्पताल में हम आए हैं अपने इलाज के लिए, अपनी डिलीवरी के लिए, तो हम यहाँ से अपने बच्चे को सकुशल घर पर लेकर जाएंगे। और शायद इसी उम्मीद में ये परिवार भी वहां पर पहुंचा था, लेकिन आज वहां से निकलने के समय पर ये हादसा हुआ। और चलिए फिलहाल हाथीपोल से थानाधिकारी योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, 12 दिन के बच्चे की चोरी की जांच कहां तक पहुंची है? आपके संज्ञान में जब ये मामला आया है, अपनी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल लिए, इसके बाद भी क्या अपडेट अब तक लग पाई है? 4 घंटे से ज्यादा का समय ऑलरेडी बीत चुका है। अभी मैडम हम पूरा टीम अलग अलग सीसीटीवी फुटेज और अलग अलग टीमें बना करके सभी जगह तलाशी कर रही है। इसके अंदर अभी परिजनों से भी पूछताछ है, कुछ एक मोबाइल नंबर संदिग्ध हमको मिला है, उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं। कॉल डिटेल वगैरह भी आई है, लोकेशन भी निकला रहे हैं सर, अनुसंधान और अलग अलग टीमें काम कर रही है। योगेश जी, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं, और फर्स्ट इंडिया के जरिए लगातार इस खबर को प्रसारित करने का मंतव्य भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी आपने साझा की और हमारे साथ जुड़े भी।